बाइस में कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण आपको गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता है कब गिरफ्तारी से पहले उसको क्या बताना पड़ेगा कारण कारण अब कारांग कैसे बताएगा आप पर एफआईआर दिखाएगा कि आपके ऊपर क्या किया गया है? FIR. First information report दिया गया है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिया कि आप फलानिया आदमी है मारे हो रहे हैं हम आपको लेके चल रहे हैं थाना और थाना में कैदियों को रखने की जगह नहीं होती है ना ही कैदियों को खाना पीना खिलाने की कोई व्यवस्था होती है थाना में जाएंगे ना मच्छर काटेगा आप लोग का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा इस सबका क्या है किसी को एक्सपीरियंस तो देखे भाई जितने लोगों पर केस है ध्यान से समझिए अभी वैकेंसी एग्जाम से पहले ही रफा दफा करा लीजिए वरना पिछले बार में बहुत से ऐसे दो तीन लड़कों का सिलेक्शन हो गया था दरोगा में एगो का 2015 में केस है पटदार वाला से झगड़ा हो गया है और अगर ऐसा है तो फॉर्म भरते समय भी लिख दीजिएगा कि हमारे ऊपर एक मुकदमा है मुकदमा चलना कोई बड़ी बात नहीं होता है गांधी जी पे भी चला था सुभाष चंद्र बोस पे चला था अमित शाह पे चला था लालू यादव पे चला है खान सर पे चला है सब पे मुकदमा चला है मुकदमा चलना गलत नहीं है जज के सामने आप गलत हैं या नहीं ये मैटर रखता है मुकदमा में बस आपको दो साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए याद रखिएगा अगर आपने फॉर्म में भी नहीं लिखा है कि हमारे पे मुकदमा चलता है तब तो दिक्कत हो जाएगा अगर आपने फॉर्म में लिख दिया है कि हमारे पे मुकदमा चलता है और जब वेरिफिकेशन आएगी तो कह दीजिएगा हाँ भैया पेंडिंग में है मुकदमा ऐसा ऐसा है और कोई दिक्कत नहीं है तो वो आपको क्या कर देगा जांच मंगाएगा कोर्ट से देखेगा पेंडिंग में कर दो लेकिन अगर आपने फॉर्म में नहीं बताया और वहां पता चलेगा नहीं छोड़ेगा इसलिए फॉर्म में बता देना है कोई गलत नहीं है गिरफ्तारी का क्या करना पड़ेगा कारण दिखाना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर कहां ले जाना पड़ेगा जज के पास जज मतलब मजिस्ट्रेट के पास जिसको अधिकार होता है छोड़ने वगैरह का जज से बहुत छोटा मजिस्ट्रेट छोटा लेवल का होता है चौबीस घंटे के अंदर उसे कहां ले जाना है न्यायालय यानी जज में अब जज के पास जाइएगा तो जज कहता है कि तुम्हारी भाषा हमको समझ में नहीं आएगी क्योंकि जज जो होता है के पास टाइमिंग नहीं रहती है और उसको भाषा समझाने के लिए भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो सारा बहस उससे कर दीजिए जज से कहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा तो अपने कहानी सुनेगा सर जी धनबाद से आए हैं बहुत दिन बहुत सोच रहे थे मिलने के लिए एक बात है बस दो मिनट समय ले लीजिए सोच रहा था, आधा समय खा गया इसी में अरे हमको क्या मतलब है आप कहाँ से है सीधा प्रॉब्लम बताओ जज तो पागल हो जाएगा ऐसा करते करते गांव का आदमी जाएगा मालिक ने बात है तू कहे हम ना जज है अच्छा ठीक है, या, या, है। <laughs> एक से एक खतरनाक होता है सब उन सबको पता नहीं रहता तो आप सारी बातें किसको कहिए वकील वकील को हर एक प्रोटोकॉल पता है कि कितना जज साहब को इज्जत देना बस मेलाउट करके खत्म करनी की बहुत ठीक ठाक दिख रहे हैं आज आप अरे जो का मतलब बनता है उसको दिन भर में पचास को मुकदमा सुलझाना है सारा बोझ किस पे दे देता है वकील पर तो आपको वकील रखना पड़ेगा ना जस्ट को कहेंगे कौन चीज तो कहेगा वकील कहाँ है तुम्हारा तुम रा आएंगे तुमको कौन चीज पता है तीन सौ सात तीन सौ दो कौन कौन होता है वकील को लाओ तो मन पसंद क्या रखना पड़ेगा वकील मन पसंद क्या रखना पड़ेगा वकील अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है